थोड़ा सा लहसुन, लहसुन की ये जो कलियां हैं इसको हल्का सा यूं तोड़ लेंगे या काट लेंगे, मिक्स अप ये देखिए इस तरीके से सालन के उसको पकाया गया है, उबाल के बनाया या भून के बनाया वो फर्क है। अब देखिए इसे अच्छे से पकाते रहेंगे, हम भूनते रहेंगे स्लो आंच पर, इस वक्त आंच स्लो करने जब तक कि टमाटर ना अच्छे से मैश नहीं हो जाते, वो इंडिकेशन है कि मसाला पक गया। तो इसको यहीं पर रखते हैं और तब तक हम बनाते हैं हमारे कोफ्ते। देखिए कोफ्ते बनाने के लिए ये बारीक कैबेज यानी कि पत्ता गोभी मैंने लिए, गाजर को मैंने यूं ग्रेट कर लिया, सिंपल है, और ये है बीन्स जिसे मैंने बारीक काट लिया। आप चाहे तो सब्जियों को बारीक काट लीजिए या फिर कई बार होता है आपके घर पर फूड प्रोसेसर है उसमें भी मोटी मोटी सब्जियों को डालकर घुमाएंगे वो चंकी सी हो जाती है, वो भी चलेंगे। और ये बेहद टेस्टी वेज कोफ्ता करी डन।